आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए खड़े मसूर की दाल की रेसिपी। ये देखें, एक प्याली मैंने दाल ली है, इसको मैंने धो के 2 गिलास पानी में चढ़ा दिया है चूल्हे पे। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मैंने पिसी हुई मिर्ची ली 1 चम्मच, 1 चम्मच ही हल्दी, 2 अदद मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं और नमक लिया है। बस ये डाल के हम इसको चढ़ा देंगे पकने के लिए, जब तक दाल गलेगी। इतनी देर हमें इसको पकाना है। ये देखें, दाल गलनी पकनी शुरू हो गई है। ये गल जाएगी तो हम इसको अच्छे से घोटेंगे, फिर हम इसका भंगार तैयार करेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है गाय, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, मुझे बताइएगा कैसी लगी मेरी रेसिपी। ये देखें, दाल हमारी गल चुकी है, अब मैं अच्छे से इसको घोट लूँगी। जब तक गाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। ये देखें, मैं इसको अच्छे से घोट रही हूँ। ये देखें, मैंने घोट ली है दाल। अब मैं थोड़ी सी इमली इसमें ऐड करूँगी, बिल्कुल 3-4 कटारे मैं इसमें ऐड करूँगी। इमली से बहुत अच्छा टेस्ट बनता है इसका। ये देखें, और जितनी आपको गाढ़ी रखनी है इतनी रखें, तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लें। देखें, आधा कप तेल लिया है मैंने, 3 अदद साबुत मिर्चें इसमें ऐड करी है मैंने। थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें लहसुन ऐड किया है, तकरीबन 2 अदद बारीक कट कर लिया है मैंने उसको। कलर चेंज किया है मैंने इसमें ज़ीरा, और थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया है। बस ये भंगार हमारा तैयार हो गया है बिल्कुल। ये मैं दाल में भंगार दे दूंगी। आप देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये दाल। तैयार है हमारी दाल बिल्कुल। ये बहुत ही मज़े की बनी है गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।